Hello everyone, this is Lazy Ark. और आप लोगों का स्वागत है थिएटर के मैप में। तो लास्ट एपिसोड में एक्चुअली हम लोगों ने कुछ टेस्टिंग किया था इस पुग्नेसिया मैप को लेकर, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये पुग्नेसिया मैप मैं पहली बार खेल रहा था तो मेरे कुछ आइडिया नहीं था, बहुत ही अजीबोगरीब डायनोस थे एंड वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। एक डोडो मेरे पीछे पड़ गया था मारने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ। तो हम लोगों ने उस एपिसोड को कंप्लीट करने के बाद उस मैप को वापस से रीसेट किया ताकि हम शुरुआत से खेल सकें, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक टेस्टिंग था तो हम लोग इसको अच्छे से खेलना चाह रहे थे। यहाँ पे शुरू हुआ और पता नहीं कैसे हुआ, ये जो टाइटानोसॉर है, एक्चुअली में ये बड़ा टाइटानोसॉर भी नहीं है, ये पिकाउन टाइटानोसॉर है, कुछ छुटकू टाइप का टाइटानोसॉर है जिसने अचानक से आया और मुझे एक स्टॉम्प में मारा जिसका डैमेज ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा था। एक मिनट, मुझे वो डोडो फिर से दिखा। यार ये डोडो मेरे को कल लास्ट एपिसोड में बहुत हॉन्ट किया था, इस एपिसोड में मुझे बहुत डराने वाला है। तो कुछ भी करने से पहले एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे नॉर्मल डोडोस दिख रहे हैं एंड वो बड़ा है, तो मुझे सबसे पहले ये बनाना है। कैसे मैं बोलूँ, कहाँ गया, एंड ये रहा। सो ये 5 लेवल पे हैं एंड तब तक, जब तक ये पॉसिबल नहीं है एक काम करते हैं, तब तक हम लोग बेसिक फार्म कर लेते हैं। मैं इतना जान चुका हूँ कि वो डोडो इधर है और अर्ली स्टेज के लिए मेरे लिए वो डोडो बहुत अच्छा खासा है, तो मुझे उधर नहीं जाना है, हम लोग इधर ही जा रहे हैं। तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ पहले वो जितना भी है मूवमेंट स्पीड में बढ़ा दूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे मूवमेंट स्पीड का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी डायनो को अवॉइड करने के लिए। मैंने नोटिस किया ये मासिव एनिमल फेस है जो कि एक टाइटानोसॉर ने दिया, बट इसका वेट 35 kg है। मुझे लगा था किसी काम का होगा बट लग रहा है कि पूरा वेस्टेज ही होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर मुझे एक नॉर्मल डोडो तो दिख रहा है बट मुझे उसको मारने के लिए एक्चुअली में अच्छा खासा ये चाहिए। सो वो आई होप कि वो डोडो अभी तक ट्रिगर ना हो जाए, और मैं नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ये तो दिख रहा है, बट मैं इसको मारूँ कैसे। सो मुझे लग रहा है कि मैं भी चांसेस है फ्लिंट एंड फाइबर, तो फाइबर तो हमें यहीं से मिल गया, फाइबर का कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्लिंट का मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेवल 4 ऑलमोस्ट हो चुके हैं और थोड़ा सा और अगर मैं मेहनत करता हूँ तो लेवल 5 भी हो जाएगा, जैसे कि मैं उस डोडो को मार दूंगा तो उस डोडो को मारने से फ़ायदा ही होगा। सेट, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, और ये अचानक से आके मुझे मार दिया। और मुझे लगा ही था कि एक्चुअली में ये ऐसा होने वाला था। एंड हम लोग वापस वहीं पर स्पॉन हुए जहाँ पर मैं अभी जस्ट मरा हूँ। वो आया, फिर से ट्रिगर हो गया यार। ओह यहाँ पे क्विडजल्स मुझे दिख रहे हैं। ओके सो बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अर्ली स्टेज में मुझे इतना नीचे क्विडजल्स मिल जाएंगे। चलो ये चीज़ भी सही है। तो एक चीज़ बहुत अच्छा है कि पुगने से क्या करता है कि अर्ली स्टेज में ही एक्स और पिकेक्स दोनों के दोनों ही दे देता है, तो हम लोगों को एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ का। और ये चीज़ अच्छा है कि इन लोगों का क्वालिटी हर बार डिफरेंट होता है। सो मेरा स्टेमिना ख़त्म हो चुका है एंड वो आने वाला है, तो मैं आई थिंक मर चुका हूँ। ओके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मेरा स्टैमिना भी ख़त्म हो रहा है और मैं गलत साइड आ चुका हूँ। क्या वो डोडो अभी भी मेरे पीछे है? नहीं, पर दिक्कत ये कि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल के और मैं इन लोगों को मार नहीं पाऊँगा, तो क्यों ना हम पहले तो इन सभी को फेंक देते हैं, उसके बाद ये एंड जितना भी है। अभी तो मैं पूरा मूवमेंट स्पीड पर ध्यान देने का सोच रहा हूँ एंड जो मेरे लिए मेन चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे कि मुझे ये दिख रहा है पुग्नेसिया का स्लिंगशॉट, बट मेरे पास हाइट नहीं है, तो कॉमन सेंस है कि हम हाइट के बिना तो कुछ कर नहीं सकते हैं एंड हम वैसे भी पूरे यूजलेस हैं। तो मुझे पहले तो किसी लो लेवल के डाइनोस को ढूंढना पड़ेगा जिनको मैं मार सकूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको भी नहीं मार सकता हूँ, और अगर वो डोडो मेरा किसी तरीके से हेल्प कर पाता तो शायद सही रहता, क्योंकि ओके शायद ये लोग मेरे से खुश नहीं है, चले गए। क्या मैं हाई ग्राउंड पर जा सकता हूँ जहाँ पे ये लोग नहीं आ सकते हैं, लाइक उस काइंड ऑफ थिंग, या फिर मुझे आसपास में कहीं पे भी ये मिल जाए, कोई डेड डाइनो मिल जाए, बस एक हाइट का मुझे ज़रूरत है लिटरली एक। ओ ये कॉम्पिस मेरा अभी भी पीछा कर रहा है। बाय द वे वो डोडो गया कहाँ?
एंड सेट। उसने मुझे फिर से देख लिया। अब शायद दिक्कत हो सकता है। कहाँ गया? ये रहा। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसका, एक मिनट, लेवल अच्छा खासा है, 1008 के आसपास इसका लेवल है, और ये इसको नॉक करना एक्चुअली में प्रॉफिटेबल होगा। बट तब भी मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे मैं मारूँ, मुझे एक मिनिमम हाइट का तो ज़रूरत है। हाँ, ये कर सकता हूँ मैं भी। 224 लेवल का है, मे बी चांसेस है कि कम ही होगा। वन फिफ्टी के हिसाब से देखो तो 1200 तक मैं डैमेज दे सकता हूँ, बट अगर उससे ज़्यादा इसका रहा तो यार सॉरी यार, मैं पूरा यूजलेस हो जाऊँगा फिर। कुछ भी अगर चांस मिल जाता है, जैसे कि एक हाइट का बस ज़रूरत है, क्योंकि एक हाइट के बाद। एंड बाय द वे, हमारा डोडो कहाँ है? ये रहा, क्या किया जाए वही सोच रहा हूँ मैं। लास्ट एपिसोड में तो किस्मत से हमें एक दो डेड बॉडीज मिल गए थे, तो क्या हुआ था कि मैं उन्हीं को मार मार के आराम से। ओ सेट, यहाँ पे पेगोस भी हैं। तो ये हम लोगों का बेस लोकेशन होगा। लास्ट एपिसोड में भी मैं एक्चुअली वहीं पे बनाया था, और मुझे वो जगह बहुत अच्छा लगा था। बट सिचुएशन ये आ रहा है कि क्या मैं इस एपिसोड में बना पाऊँगा, क्वेश्चन ये है। चलो इधर की साइड देखते हैं, क्योंकि उधर की साइड डोडो है, और मुझे उस डोडो को टेम करना है एक्चुअली में, ये बात आ रहा है। तो ठीक है, दोनों साइड का बात हो रहा है। एंड मैं एक और चीज़ देख चुका हूँ कि अगर मैं अर्ली स्टेज पे लेवल 20 कंपलसरी सेट। मुझे कुछ मिला, बट मैं, एक मिनट, ये सब क्या है? व्हाट, ये क्या था? और ये मुझे अचानक से कैसे मिला? ओके, ये कुछ ज्यादा मजाक हो गया। अब मैं फाइबर कहाँ से लाऊं? ओ, मुझे यहाँ पे डोडोज बहुत सारे मिले, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं इन लोगों को लेके, ठीक मैं काम कर सकता हूँ। पहले तो जल्दी जल्दी ये बना के, जैसे हम लोगों का बॉक्स बन चुका है, हम एक काम करेंगे कि इसको यहीं पे छोड़ देंगे एंड इनको पिक करते जाओ। जैसे कि इनको यहाँ पर ट्रांसफर करते जाओ, ठीक है। सेट, लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ हाँ ठीक है, तो कुल, हाँ। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे लिए ऑलमोस्ट 6000 के आसपास करप्टेड नोडल्स है, जिनको मैं पॉलीमर्स की तरह यूज़ कर सकता हूँ, और फिर कुछ मशरूम्स हैं, और उसी के साथ साथ मेरे पास एलिमेंट ओर्स भी आ चुके हैं, और ये भी आ चुके हैं, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो मेरे लिए अभी किसी काम के नहीं है। सो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे 200 से कुछ मिला, बट वो 200 था कहाँ सेट, और मैं मर चुका हूँ। बट एक काम करता हूँ, अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक ट्रिक लगा सकता हूँ, क्यों ना मैं थोड़ा दूर जाके मरता हूँ। एंड अब शायद नहीं मरना मुझे, क्योंकि वो मेरा पीछा करना छोड़ दिया है, और बस मेरे पीछे एक डीलफो पड़ा हुआ है। एक मिनट, हाँ, मैंने यहाँ पे एक और भी बैकपैक देखा है।
मुझे कुछ एरोज मिल गए, एरोज मिल गए, एरोज मिल गए। अब मुझे बस ये ढूंढना है किधर गया बुक। अरे यार बुक, बुक कहाँ है, वो ढूंढना है। एंड उसी के साथ साथ पहले तो मुझे कुछ ये बनाने पड़ेंगे स्पीयर्स, ताकि मैं उस हिसाब से कुछ डोडोस को मार के हाइड बना सकूं। एंड एक और मोमेंट स्पीड में फिर से। बाय द वे वो हमारा कितने लेवल पे अनलॉक होगा, 10 लेवल पे? सीरियसली ये 10 लेवल कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कि सही ही है। एक काम करते हैं, पहले इतना टेंशन ना लेके बाकी चीज़ों को यहीं पर डाल देते हैं, एंड मशरूम्स को यहाँ पर रख देते हैं, और एंड फूड को मेरा यहाँ पर डाल देते हैं, और कुछ ये बना लेते हैं जैसे कि किधर गया। ठीक है, 13 काफ़ी रहेगा आई थिंक। और डोडोस कहाँ हैं? सो बाय द वे ये डोडो कितने लेवल का है थोड़ा मैं पहले पता करूँ। यानी 224 का है, मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रॉब्लम। ओके ये तो एक शॉट में मर गया, और मुझे 36 हाइट्स पे मिल गए। तो मुझे लग रहा है कि मेरा ओवरऑल किस्मत बहुत अच्छा था। एंड जैसे कि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा आइटम्स है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं इस बॉक्स को पिक कर लेता हूँ, एंड इन एरोस को पिक कर लेता हूँ। इन चीज़ों को अभी एक्चुअली मेरे पास ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को यहीं पे छोड़ देता हूँ। मैं बाद में वापस आ जाऊँगा इनको लेने के लिए। तो पहले और एक मोमेंट स्पीड, ऑलमोस्ट 8 लेवल के हो चुके हैं। थोड़ा और चांस अगर मुझे मिल जाता है तो मैं जल्दी ही लेवल 10 का हो जाऊंगा। वो बना दूंगा तो मुझे लग रहा है कि फिर वो डोडो मेरे लिए टेम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड में मुझे लग रहा है कि ये डैमेज देगा मेरे लिए काफ़ी है ऑलमोस्ट। ये हो चुका है काम। थोड़ा और मेरे लिए कुछ बेड्स का ज़रूरत है। बेड किधर है? बेड के लिए 50 हाइट, 46, 36 हाइट। ठीक है, पेगो के पास नहीं जाना है कुछ भी करके। हैं यहाँ पे मैंने एक और डोडो देखा था, दो दो डोडो। दूसरा डोडो कहाँ है? दूसरा डोडो कहाँ है? एंड गए हम। सोचा नहीं था कि 1 मिनट, एक मिनट। हाँ ये रहा, चलो सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं मर भी गया। ओहो मेरा यार ऑलमोस्ट मैं कलेक्शन कर चुका था, मुझे लग रहा है कि उतना कलेक्शन मेरे लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में 36 और 38 अराउंड 70+ अगर मेरे पास हाइड है और कुछ आइटम्स है। बस मुझे यहाँ से भागना है, क्योंकि यहीं पे वो कॉन्फ्लेगेंट डोडो भी है, तो उससे मुझे बच के रहना है। बाय द वे यहाँ पे बुलबुटा गया, और उधर की साइड सिट, यहाँ पे गीगा क्या कर रहा है? मुझे लग रहा है कि बेस चूज, लोकेशन चूज करने के लिए मैं कुछ खराब जगह चूज कर चुका हूँ। एंड अगर मैं इस गीगा को पानी की साइड पहुंचा देता हूँ, क्या यह मेरे पे एग्रो होगा? क्या हुआ ये? वो गीगा मुझे बिना टच किए मुझे मार दिया। ओहो सोचा नहीं था कि इतना डेडली दिन होगा मेरे लिए। एक ही जगह पे गीगा है, एक ही जगह पे क्वेटजल्स है। आई थिंक मैं सबसे खतरनाक एरिया में घूम रहा हूँ, एंड मुझे लग रहा। ओह तो वो स्नोफॉल है, और वो स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा डेडली दिख रहा है, क्योंकि मैं जस्ट उस एरिया में गया था और उसने मुझे बिना टच किए मार दिया। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पूरा कोने पे बैठा है, ना मैं उधर से आइटम अपना ले सकता हूँ ना इधर से। ओके
आई होप कि, अरे यार क्या मुझे बेस लोकेशन चेंज कर देना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं भी वो गीगा मेरा एरिया छोड़ने वाला नहीं है, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। अरे यार मैं स्क्रीनशॉट लेने का सेटिंग अभी मैं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि अभी मुझे करना चाहिए। इसके पास कुछ है? ओह हाँ ओके। मुझे लग रहा है कि इतना रोने धोने से वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वहीं पे बैठने वाला है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, और वो मुझे वैसे भी मार के रहेगा। तो इससे अच्छा कुछ करने वेट करने से अच्छा है क्यों ना मैं आराम से इधर ही फार्म करके इधर ही अपना बेस बना देता हूँ। ओ सिटी, यहाँ पे भी वल्चर है, और बाद में वहाँ पे जो बैकपैक में जितना रखा हुआ उसको तो मैं बाद में जाके ले ही लूँगा, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। एंड मेरा वो बाय द वे एक और बैकपैक कहाँ गया? ये नहीं, ये रहा, ये वाला वो बैकपैक है जो मुझे सबसे पहले डोडो आके मारा था एंड मुझे मिल गया। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक ये दोनों हैं, ये 357 का है एंड ये 282 का है, आई थिंक ये ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है। और इसको फेंक देते हैं, पूप को भी फेंक ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है रख के, एंड बाकी चीज़ें ले लेते हैं। तो इतना काम हो ही चुका है ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूँ तो थोड़ा और। क्या मुझे कुछ स्टोन्स मिल सकते हैं? थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा मिलती हैं। चलो ये हो गया है, और जैसे ही मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ओके। सो सबसे पहले मुझे काम है 1 2 3, और उसके बाद हम 10 लेवल भी हो चुके हैं तो फाइनली मैं वो एरो बना सकता हूँ। बट दिक्कत ये है कि मेरा एरो तो वहीं पे छूट चुका है। वाह, अरे यार मेरा किस्मत ही खराब है जो मैं ऐसे बेवकूफी कर रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था कि इतना लग जाएगा उसका, इतना ज्यादा हाई लेवल है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो सीधा वहीं पे जा रहा है जहां पे मुझे जाना नहीं है। बहुत अच्छे, डोडो को नॉर्मली इतना तो खाना नहीं किया था। दिक्कत ये है कि ये सब डायनोसॉर भी हील होते जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं करने देना उनको। एक डोडो को मारने के लिए आज मुझे इतना परेशानी हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 1600+ लेवल। ओ सेट, और मैं मर गया। एक मिनट, पहले मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं वन पे सीधे वहीं पे जा सकता हूँ जहाँ पे मेरा बैकपैक होगा, मैं भी वही सोच रहा था, और पता चला कि मैं गीगा के जस्ट पास स्पॉन हूँ। गीगा कहाँ गया? अरे ये तो वही लोकेशन है जहाँ पे एक्चुअली में गीगा था।
चलो 120 हमारा मूवमेंट स्पीड हो चुका है एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। बट वाह, इधर मैं अपने आप को लकी समझूँ या अनलकी समझूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम वापस इस एरिया पे आ चुके हैं एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि स्टोन, ये फाइबर, वुड सारी काफ़ी है इतना, क्योंकि हम जा रहे हैं अपना पहला बेस बनाने, और पहला बेस बनाने के लिए हम लोगों को वापस ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने से फ़ायदा ये है कि ऊपर रहने से फ़ायदा ये होगा कि मैं कितने भी डायनोस को मैं नॉक इजीली कर सकता हूँ, तो उसमें मेरा टेंशन नहीं होगा। बट अगर मान लो कि यहाँ पर, बट मैं अभी भी डर रहा हूँ कि वो गीगा गया कहाँ। मैं जस्ट अपना लोकेशन चेंज किया और वो गीगा ऑटोमेटिक डिस्पॉन हो गया। तो ये चीज़ मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, मैं फिर इतना वेट क्यों कर रहा था। अगर मैं इतना ध्यान नहीं देता तो मैं दोनों साइड से फंस गया था। चलो, ऑलमोस्ट हम ऊपर आ चुके हैं और हमारा बेस का सबसे पहला फाउंडेशन लगने वाला है, और जिस चीज़ के लिए मैं एक्चुअली मैं हमेशा वेट करता हूँ। तो ये रहा, एंड आसपास में और कौन कौन से डायनोज हैं मुझे चेक करते रहना होगा, ताकि ये, वैसे तो मुझे अब कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि पता नहीं वो सब डायनोज कहाँ गए, क्योंकि इग्वानोडॉन मुझे अभी भी दिख रहा है कि वो वहीं पे है, एंड उसके अलावा ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा। सो पूरा सेफ जगह पे हम लोग हैं ऑलमोस्ट, एंड सबसे पहले मुझे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है किधर गया फाउंडेशन। ठीक है, एक ये है और उसी के बाद ये तो मेरे पास ऑलरेडी अभी है, और एक सीरियसली तो तीन ही ये बना है, और एक ये बना है, और उसके बाद एक ये बना है। ठीक, पूरा सेंटर में डालते हैं ताकि आगे जाके इसको पूरा बढ़ाते जाएंगे, एंड मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी है, हो गया। एंड जस्ट सबसे पहले अगर मेरे को किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा टेंशन है तो वो है बस बेड का, क्योंकि उसके अलावा और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा चीज़ का टेंशन है। अगर मैं इसको पहले मैं हाफ कर देता हूँ ताकि जितना ये बर्न हो रहा है होते रहे, और उसके अलावा टेंशन नहीं होना चाहिए किधर गया ये। ठीक है, जब तक ये फूड्स भी हो रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को यहीं पे डाल देते हैं। काफ़ी है यहाँ पे, जिन चीज़ों को ज़रूरत नहीं है आई थिंक मैं अगर उन लोगों को यहीं पे रख दूँ, जैसे कि ये एंड इन दोनों का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक बात है, मुझे सबसे पहले तो एक बो बनाना है क्योंकि मेरे पास एरोस ऑलरेडी है, बट सेट किस्मत ही ख़राब है। चलो ठीक है, वो नीचे बन जाएगा, एरोज हमारे पास ऑलरेडी है, एंड सबसे मेन चीज़ अगर मुझे किसी चीज़ का भी ज़रूरत है तो वो है पुगनेसिया का स्लिंग शॉट, पुगनेसिया का स्लिंग शॉट ये रहा। तो ओब्वियसली नीचे और भी स्लिंग शॉट हम बना सकते हैं, तो मैं जानबूझ के इतने तो लेके जा ही रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कि हम लोगों को कुछ और स्टोन्स का भी ज़रूरत है तो हम स्टोन्स भी ले जा रहे हैं यहाँ से। मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा स्टोन्स का ज़रूरत मुझे पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे जो डोडो चाहिए वो 3 या 4 शॉट्स में ऑलमोस्ट नॉक हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी को तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। चलो, जैसे कि डोडो का एक्चुअली मैं बेसिक अटैक ही है, तो मुझे डोडो के पर इन एरोस को वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी पुगनेसिया के ट्रैंक एरोज हैं, ओब्वियसली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल्स है, तो हम क्या करेंगे कि पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअली मैं, ठीक है, डन। चला, ओके, एंड हम जा रहे हैं अपना सबसे पहला टेम करने के लिए। अब मुझे बस चेक करना है कि वो डोडो यहीं पे अभी भी हो, मैं होप कर रहा हूँ,
बट अगर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक वो अर्ली स्टेज का टेम ही सबसे बेस्ट है। बाय द वे वो है या नहीं देखो। एंड नो टू सेवेंटी थ्री टू एटी नाइन नहीं, मैं मेरा वाला ज़्यादा बेटर है। सो गीगा डिस्पॉन हो चुका है, बट मुझे डोडो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोडो भी डिस्पॉन हो चुका है। अब मैं डाउट में हूँ कि मैं किसको टेम करूँ, क्योंकि यहाँ पे क्विट्जल है ग्लेशियर का इगुआनाडॉन है, एंड मे भी चांसेस है कि नहीं। मुझे स्पाइग्लास चाहिए जो मुझे एक्चुअली में बता सके कि आसपास में और कौन कौन सा डायनासोर और कितने हैं। तो वहाँ पे टाइटानो है, बट उसके अलावा भी मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हम लोग बो बनाने के लिए रेडी है? बो 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 वुड्स। तो डोडो तो नहीं मिला, मैं भी चांसेस है कि और कोई डायनो मिल सकता है, तो उसके तलाश में हम लोग यहाँ से निकलते हैं दूसरे साइड जहाँ पे हम लोग पहले गए थे, बट वहाँ पे फिर मुझे कुछ डायनोस ने मार दिया था। वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे खासे रखे हैं, बट वो रिसोर्सेज अभी किसी काम के नहीं है, तो वही मैं सोच रहा हूँ। बाय द वे, अगर यहाँ पे पुगनेसिया का खुद का स्लिंग शॉट है, तो क्या पुगनेसिया का खुद का बोला भी है? नहीं, क्योंकि नो। चलो हाँ, एक मिनट, मेरे लोकेशन चेंज करने की वजह से मोस्ट ऑफ द डायनो यहाँ से डिस्पॉन हो चुके हैं। अब ये चीज़ तो नहीं मुझे पता है कि कैसे काम किया, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइनो भी था जो कि अब नहीं है, तो क्या इनकी वजह से मेरे आइटम्स भी गायब हो चुके हैं? आइटम इन द सेंस वो वैसे भी मेरे नहीं थे, मुझे लक के तौर में मिले थे। नहीं है, एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये बेरीज काम करेंगे, सॉरी मशरूम्स काम करेंगे। एक काम करते हैं ना, ज्यादा लेते नहीं अभी। मुझे देखना है कि जो लाइट पेट डाइनोज है, क्या वो मशरूम से टेम होंगे या फिर ओके। मैं एक सेकंड के लिए बहुत डर गया था वहां पे। तो यहाँ पे मुझे ये तो दिखे हैं, बट क्या ये नॉर्मल वेरिएंट्स है? कस्ट्रॉइड्स और ये पासिव टेम, बट मैं 55 लेवल के बाद उनको टेम कर सकता हूँ, सो अभी पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बाय द वे, ड्रॉप क्या मैं पिक कर सकता हूँ? ओह जरबुआ, ओह बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। नो ओके, सो मुझे वैसे तो ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं जितना स्लाइड हो रहा हूँ उतना नीचे जाता जा रहा हूँ, बट चलेगा। इधर की साइड मुझे लग रहा है कि ये वाटर फिश वाला ही एरिया होगा। ठीक है, एंड यस, और ये खाली है। मुझे यहाँ पे एक बीवर डैम दिखा है, बट दिक्कत ये हो रहा है कि मैं उसको छूना नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि गलती से अगर वो कस्ट्रॉइड मेरे ऊपर एग्रो हुआ तो मैं मर जाऊंगा। डे वन इतना जल्दी बेवकूफ़ी करना भी सही नहीं है। भागो। वहाँ बारियोनिक्स था। मैं अपने एरोस को पूरा सोच समझ के यूज करना चाहता हूँ ताकि जिनको मैं मारूँ एटलीस्ट वो टेम हो जाए। ठीक है, तो ये भी टारगेट है, बट देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। बट मुझे वैसे तो आसपास में कोई डाइनो नहीं दिख रहा है जिसको मैं इधर मार सकूँ या टेम कर सकूँ। ओके, सो खुद का एक आइलैंड है बट मैं उसके ऊपर जा नहीं सकता। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट्रॉइड ही दिखाई दे रहा है। दिक्कत ये है कि वो कास्ट्रॉइड उधर, एक मिनट, ये क्या चमक रहा है? और मैं पानी में जा चुका हूँ। प्लीज पिराना मत होना, क्योंकि अगर पिराना हुआ तो मैं मर जाऊंगा और फिर यहाँ से मेरा बैकपैक लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ओके 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 ओके, 1 सेकेंड। यस, अरे यार इसको छोड़ो ना, हाँ नॉर्मल चलो। वहाँ पे वो पेड़ में ग्लो क्या कर रहा था, मुझे चेक करना है ये क्या है। ये क्या है? नॉर्मल ट्री। तो यहाँ पे मुझे मॉस्चोप्स दिख रहे हैं, टाइटेनो दिख रहे हैं। एंड मुझे एक मेटल नोड भी दिख गया। बाय द वे, वो किस पे एग्रो हुआ है? ओके, वो मेरे किसी काम का नहीं। नॉर्मल डोडोस दिखाई दे रहे हैं और ये 1 सेकेंड सेट। चलो, और कुछ जो यहाँ पे आसपास में जिनको मैं मार के कुछ कलेक्ट कर सकूँ, बट मुझे वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा खाली खाली सन्नाटा सा दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे टाइटेनो है, बट पहले अच्छे खासे डायनोस थे। मैं जैसे लोकेशन चेंज किया ना, सब डिस्पॉन हो गए, जो कि एक तरीके से मेरे लिए एडवांटेज भी हुआ क्योंकि ये हो गया, कैसे मैं बोलूँ, गीगा डिस्पॉन हो गया। बट डिसएडवांटेज ये हो गया कि मेरे बाकी सब डायनोस भी डिस्पॉन हो गए। क्या सच में मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ? चलो छोड़ो, इतना मेहनत नहीं करना अगर जहाँ पे हम चढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि और क्या किया जा सकता है। एंड मुझे यहाँ पे वैसे तो एक मेटल नोट दिखा है, मैं सोच रहा हूँ कि उसी को लेके निकल जाता हूँ अभी के लिए, तो क्योंकि मुझे वैसे भी यहाँ पे कुछ डाइनो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये मॉस्चोप्स वैसे कितना लेवल का है और कितना ज़्यादा ये रिसोर्सेस खाएगा वो भी देख ही लेता हूँ। 1568 और उसका 0% पे, मतलब वो टेम होना नामुमकिन है। इसलिए तो देखता हूँ अभी, और मैं यहाँ पे तो आसपास में और कोई मुझे डाइनो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये सोच रहा हूँ। अरे यार गलत था, मेरे को लगा ही था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होगा। जितने मेटल नोट्स थे सब गए। वहां पे ब्रॉन्टो भी दिखाई दे रहा है, बट 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 एक मिनट, मैं अपना स्टैमिना भी खो चुका हूँ और ऑक्सीजन भी खो रहा हूँ। ओके ओके, बच गया। थोड़ा देर बस। एंड आई थिंक हम यहाँ के सब मेटल नोट्स ले चुके हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है।
और मुझे एक दिख तो रहा है, एंड शायद मुझे इतना रॉक्स का जरूरत नहीं है। एक मिनट, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लेवल अप्स थे। अच्छा, चलो तो सब मेटल नोट्स ले चुके हैं और एक उधर दिख रहा है, बट वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो इतना मेटल्स मेरे लिए काम तो आ जाएंगे, बट दिक्कत ये कि मेटल्स अभी काम में कहाँ करूँ अगर मेरे पास कोई डाइनो भी नहीं है आसपास में घूमने के लिए। चलो भागते हैं अभी यहाँ से जल्दी अपने बेस के साइड, और इतने मेटल्स और ये सब आइटम्स को रख देते हैं। और मुझे एक और नोट दिखा, वाह, ये क्या कर रहा है? छोड़ा, किधर गया? ओके, यहाँ पे भी कोई डायनो नहीं। क्या हम लोगों को ऊपर डायनोस मिलेंगे? बट मुझे डर लग रहा है कि ऊपर जाके अगर मैं सब रिसोर्सेस खो दिया तो। एक काम करते हैं, बस उन्हीं चीजों के लिए हम अपने रिसोर्सेस को पहले रख के आते हैं, और फिर उसके बाद एक बार और चेक करेंगे कि क्या है यहाँ पे, कुछ पॉसिबल है या नहीं ढूंढना। मुझे लग रहा है कि मे बी इधर के साइड वापस मुझे मिलेगा जिधर मैं पहले भी सब डायनोस को ढूंढ चुका था, बट मुझे अभी भी वो डोडो दिखाई नहीं दे रहा है। बस जब ट्रायल एपिसोड में मुझे डोडो नहीं चाहिए था तो वो मेरे पीछे पड़ के मुझे मार रहा था, अभी जब मुझे सच में टेम करना है तो मुझे वो डोडो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत उल्टा सिचुएशन था। जेरबोआज भी ऊपर से बहुत ज्यादा टाइम ले रहे टीम होने में। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग पहला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। रीजन, मैं अपना बेस को अभी बेसिक तरीके से थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई करता हूँ, जैसे कि बेसिक प्रिमिटिव थाट से जितना अच्छा बन सके मैं उन्हीं से कुछ लेवल अप्स करते हैं। और ऑब्वियसली हमारे पास फोर्ज नहीं है अभी, क्योंकि हम 20 लेवल के नहीं हुए हैं एंड 16 लेवल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 16 17 होने वाले हैं। जब तक फोर्ज ना आ जाए तब तक ये होगा। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे अपना सबसे पहला डाइनो पुगनेसिया का टेम करने का। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद मेरा पहला डाइनो वही डोडो ही होने वाला है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, मूवमेंट स्पीड अच्छा खासा था, इधर उधर मैं भाग सकता था, चेक कर सकता था। बट उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या और पॉसिबिलिटीज है या नहीं उसके साथ। जैसे ही डोडो टेम हो जाएगा, हमें जितना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वहाँ पर मिला है हम क्या करेंगे कि उन सभी को लेके यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है? तो वो सब चीज़ भी करना है, बट देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबल है इस जर्नी में, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, क्योंकि ये सब चीज़ तभी पता चलेगा जब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं उसके लिए सीरियसली, मेरे पास थाच नहीं है, मैं इसमें सब कुछ ले आया और थाच नहीं है। अरे यार, ओके, तो और भी कुछ बेड्स बनाने हैं, इस बेस को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, फिर देखेंगे। मैं एक बार और इस एरिया को डाइनो वाइप कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ, गेम रीओपन कर देता हूँ, ताकि उसे अब से अगली बार जब एपिसोड शुरू करेंगे तो यहाँ पे आसपास में डायनासोर भरे रहेंगे। चैलेंजिंग रहेगा, टेमिंग करेंगे, उसी हिसाब से देखेंगे कि कैसे क्या करना है। मिलता है अगले एपिसोड में। आई होप कि आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।